उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में स्थित मदमहेश्वर के ट्रैक की शुरुआत करने के लिए ग्रुप के सारे मेंबर्स रेडी हैं। द एक्साइटमेंट इज हाई। इट वॉज द सितंबर मंथ ऑफ 2021। जीएमवीएन के साथ पंच केदार ट्रैक करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी महादेव की दया से प्राप्त हुई थी। हम केदारनाथ धाम का ट्रैक कंप्लीट कर चुके थे और बाय रोड रांची गांव तक पहुंचे थे। रांची से मदमहेश्वर तक के 32 किलोमीटर के ट्रैक में एट द एंड ऑफ डे वन हमें बंतोली तक पहुंचना था। कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से देयर वेर नो अदर पीपल प्रेजेंट ऑन दिस ट्रैक एट दैट टाइम और अन्य लोगों की अनुपस्थिति ने इस जगह के अनुभव को विशेष रूप से सुखद बना दिया था। शेडेड ट्रीज, स्वीट ट्वीट्स ऑफ बर्ड्स, रिवर्स, जर्नी और पहाड़ों के साथ लुका छिपी खेलते हुए बादल, ये सब दृश्य मानो जैसे माइंड की मेमोरी में परमानेंटली स्टोर्ड हो चुके हैं। यहाँ देखी हुई सुंदरता मैं कभी भी नहीं भुला सकता। यहाँ पे सेंस ऑफ फ्रीडम का एहसास हुआ, फ्रीडम फ्रॉम टाइम। हमारी रूटीन लाइफ में हम सब समय के गुलाम हैं। जॉब, बिजनेस और सोशल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज टाइमली कंप्लीट करने की कोशिश में हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना छोड़ देते हैं और हमेशा फ्यूचर या पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का कोई स्ट्रेस नहीं था। यहाँ पे दोपहर के 2 बजे भी सुबह के 6 बजे जैसा मौसम रहता था। सो कौन सा दिन, कौन सी तारीख और क्या समय हो रहा है यह पता ही नहीं चल रहा था। और यहाँ पे ये सब जान के करना भी क्या था, मैं तो सिर्फ अपने आसपास जो प्रकृति के नज़ारे थे उसे देखने में मशगूल था। जय जय बाबा केदार। आइए मदमहेश्वर की ओर चलिए, बाबा मदमहेश्वर की ओर। जय बाबा केदार। हम सब लोगों ने हिमालय की अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति के बारे में कभी न कभी कुछ ना कुछ सुना ही होगा, लेकिन मुझे हिमालय की पहाड़ियों में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस हुआ। मार्च 2021 में मुझे कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से मानो मैं फिजिकली डिसेबल्ड हो गया था। घर पे 2 किलोमीटर की वॉक भी मैं मुश्किल से कर पाता था और ऐसे टाइम पे ये ट्रैक का प्लान हुआ। मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं ये ट्रैक कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी जो भी होगा वो देखा जाएगा ऐसा सोच के घर से पंचकेदार जाने के लिए निकल गया था। और पता नहीं मुझ में कहां से इतनी शक्ति आ गई कि मैंने 5 केदार का ट्रैक पैदल किया बिना थके हुए। यहाँ पे कुछ तो पारलौकिक है जो हमारी 5 सेंसेस की पकड़ में नहीं आता, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और प्रकृति में गजब की हीलिंग पावर्स है। जापान में फॉरेस्ट थेरापी काफी फेमस है।
कई लाइलाज बीमारी से पीड़ित लोगों को फॉरेस्ट में रहने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे हर संभव तरीके से इंसान को प्रकृति से जोड़ने की कोशिश की जाती है। और गजब की बात यह है कि काफी सारे लोग इस थेरापी से कम्प्लीटली क्योर्ड हो जाते हैं। मैं नेचर के हीलिंग पावर्स का बिलीवर तो ऑलरेडी था, लेकिन इस एक्सपीरियंस ने मेरे बिलीफ को फेथ में कन्वर्ट कर दिया। महादेव 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 बेसो आओ। यहाँ पे ग्रुप के सारे मेंबर्स एक्सट्रीमली एक्साइटेड और हैप्पी फील कर रहे थे, तो उस ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस को और जॉय को एक्सप्रेस करने के लिए सब लोगों ने डांस करना शुरू कर दिया। पहाड़ चढ़ने की थकान तो जैसे रही ही नहीं। हम लोग बंतोली पहुंचने को है। बंतोली के पास मदमहेश्वर गंगा नदी बहती हुई आप देख रहे हैं। बंतोली में इस होटल में हमारा नाइट स्टे था। हालांकि ऐसी जगहों पर आप ज्यादा फैसिलिटीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे तो रहने के लिए छत और खाने के लिए भोजन मिल जाए वो भी मोर देन इनफ है। क्या बना रहे भाई?
ये जो आपके हाथों में ये जो आप देख रहे हैं स्लोगन लिखे हुए हैं, ये हमारे उत्तराखंड के अंदर में जितने भी नाम और ये जो आप ये चीज देख रहे हैं, ये हिमालय को बचाने के लिए अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हिमालय के अंदर जो हमारा उत्तराखंड, हिमालय के अंदर में जो भी ये पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं, ये इन्हीं लोगों के कारण आज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ के ट्रैक की शुरुआत करने से पहले हिमालय की पवित्रता को बनाए रखने और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाने के मैसेज को दिल में रख के हमने हमारे मधमेश्वर ट्रैक के बाकी रूट की जर्नी शुरू की। जय बाबा केदार, जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव, बाबा केदार की जय, बाबा केदार की जय हो, जय मधमेश्वर की जय हो, मधमेश्वर की जय हो, जय हो, जय बाबा केदार, जय मधमेश्वर बाबा। नेचर कॉन्वर्जेशन काफी इम्पोर्टेंट है। हम इंसान अपने आप को प्रकृति से अलग समझते हैं, जो कि गलत है। वास्तव में ये पहाड़, नदियाँ और ये जंगल ही हमारे रियल होम है। कंक्रीट के जंगल हमारे रियल होम नहीं है, वे मनुष्यों ने बनाए हैं और ये परमात्मा ने बनाए हैं। तो रियल होम की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। और ये खेती वगैरह में आप क्या उगाते हैं यहाँ पे? इसमें बहुत चौलाई, ये बीन्स और ये सब्जी, मटर, टमाटर। अच्छा, और बाकी सब यहाँ जो यात्री आते हैं उसमें से ही गुजारा निकल जाता है आप? उसी में। ठीक है, कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? अमर तो जन्मभूमि है, यही जन्मभूमि है। अच्छा, तो मधमहेश्वर के दरबार में ही आप रहते हैं?
जैसे जैसे बंतोली से मधमेश्वर की ओर हम आगे बढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे वी वेर एंटरिंग इनटू अनदर वर्ल्ड। आई डोंट मीन लिटरली, बट आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस इनटू वर्ड्स, बट आई मीन लाइक अ टाइम व्हेन समवन इज एक्सपीरियंसिंग inexplainable feelings, from taking in breathtaking views for the first time. It is like all of my senses became alive as I gazed upon these views. I felt like I was in another world. मधमेश्वर पहुंच गए, काफ़ी खुशी महसूस हुई, क्योंकि जब आप समीप पे पहुंचते हैं तब आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट का एहसास होता है। ऐसा माना जाता है कि मधमेश्वर मंदिर पांडव योद्धा भीम ने बनाया था। यह मंदिर महाभारत के युद्ध के बाद बना था। दूसरे दिन सुबह की ठंडी में गर्म चाय की जुस्की लेकर मधमेश्वर से 2 किलोमीटर ऊपर बुड्ढा मधमेश्वर जाने के लिए ट्रैक की शुरुआत की। ये क्लाइंबिंग स्टीप है, सो इट वॉज अ बिट डिफिकल्ट। एज वी केप्ट क्लाइंबिंग वी वेर ग्रीटेड बाय द साइट्स ऑफ मैग्निफिसेंट व्यूज, एंड नो मैटर विच एंगल वी लुक्ड एट वी वेर ब्लोन अवे बाय द व्यूज। And all the pain from climbing up the mountain seemed to just magically vanish. I smelled the cleaner air like I had never before. There was a deep sense of happiness inside me. I surely wish to come here once again. Thank you for watching this video, and please take very good care of yourself.